Welcome to speedearning.in. ऑप्शन ट्रेडिंग को और सिंप्लीफाई करने के लिए आज हम लोग समझेंगे स्प्रेड को. लॉन्ग स्ट्रेडल आपने देखा, शॉर्ट स्ट्रेडल देखा, आप एक साथ कॉल पुट को बाय करते हैं, आप कॉल पुट को सेल करते हैं, लेकिन वहां परेशानी है कि अगर एकदम से बड़ा मूवमेंट आ जाए तो कॉल पुट के शॉर्ट स्ट्रेडल में परेशानी आ जाती है. एकदम से रेंज आ जाए तो कॉल पुट की बाइंग अगर आपने कर रखी तो परेशानी आ जाती है. अब हमको तो एकदम से पता नहीं है ना कि कब रेंज आएगी और कब एकदम से बड़ा मूवमेंट आ जाएगा, तो मार्केट है, तो उसके सॉल्यूशन का क्या तरीका है? ऑप्शन स्प्रेड. स्प्रेड क्या चीज है? कि आप कॉल और कॉल के बीच में स्प्रेड होता है. आपने एक कॉल को खरीदा, दूसरे कॉल को शॉर्ट कर दिया. आपने एक पुट को बाय किया, दूसरे पुट को शॉर्ट कर दिया, राइट कर दिया, तो ये हो गया आपका स्प्रेड. लेकिन स्प्रेड के अलग अलग तरीके होते हैं, तो वहां कंफ्यूजन होता है कई बार, तो हम उसको थोड़ा और क्लेरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कई ट्रेनीज को ये लगा कि सर इसको अगर आप एक साथ समझा दें तो हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगा. तो आप इधर देखें, बुल कॉल स्प्रेड, टॉप गेनर देखा आपने, एक दिन में आपको टॉप गेनर नजर आ रहा है. सपोज आपको नजर आया आज कि ग्रेन्यूल्स टॉप गेनर था या डीएलएफ टॉप गेनर था, रियल्टी सेक्टर चल रहा था, 272 पे वो खड़ा है, तो 280 का कॉल आपने बाय कर लिया, 290 का कॉल सेल कर दिया. अब यहाँ पे हमने लाइव एग्जांपल लिखा है, बाय इन्फी 1060, इन्फी का 1060 का कॉल आपने बाय किया और 1080 का अगला जो कॉल है, अगले स्ट्राइक प्राइस, वो सेल करके रख दी. तो अगर बाजार बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये ज्यादा बढ़ेगा, ये कम बढ़ेगा, एक डिफरेंस क्रिएट होगा, पैसा बनेगा. पैसा ज्यादा नहीं बनेगा क्योंकि स्प्रेड सेफ्टी के बारे में ज्यादा रिलेटेड है. ये रिटर्न ज्यादा नहीं देता है लेकिन आपके पैसे को सेव करता है, क्योंकि जब तक आप एकाध लॉट में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लॉन्ग स्ट्रेडल शॉर्ट स्ट्रेडल पे चले जाइए और उसमें अगर 30,000 का 20,000 रह जाए तो चलेगा, लेकिन 3,00,000 रुपए का 2,00,000 रुपए होगा तो नहीं चलेगा. इसलिए वहां पे स्प्रेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा. बुल कॉल स्प्रेड, टॉप गेनर में आपने पास का कॉल खरीदा और दूर का कॉल शॉर्ट सेल कर दिया. यहाँ की प्रीमियम ज्यादा होगी, सपोज यहाँ की प्रीमियम है 25 रुपीज की और यहाँ की प्रीमियम है 15 रुपीज की, तो 25 का कॉल बाय किया, 15 का कॉल शॉर्ट सेल कर दिया. अब इसमें अगर तेजी आती है तो आपको आप सेफ है, मंदी आती है तो भी आप सेफ है, और पहली बार अगर रेंज आती है तो भी आप सेफ है. तो आप हर कंडीशन में यहाँ सेफ रह सकते हैं. बस ये बात है कि आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो कम मिलेगा. और इसके बाद अगर ये पहले 15 दिन में टॉप गेनर का हम बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं तो बाद के 2 हफ्ते में हम बड़ा कॉल नहीं खरीदना चाहेंगे क्योंकि प्रीमियम डिके होता है. तो यहां पे हम बनाएंगे बुल पुट स्प्रेड. हम इसी इन्फी में पुट को शॉर्ट करके तेजी करेंगे. बुल पुट क्यों कह रहे हैं इसको? पुट से तेजी कर रहे हैं. ये आप देख रहे हैं बुल पुट स्प्रेड, आप पुट से तेजी कर रहे हैं. सेल इन्फी, अब ये 1060 है, ये ऊपर जाएगा, नीचे आने के चांसेस नहीं है क्योंकि वो टॉप गेनर है. तो अगर हम इसको 1040 का पुट शॉर्ट कर दे तो वो नीचे जाएगा ना, क्योंकि इन्फी नीचे आने को तैयार नहीं है, तो पुट में गिरावट आएगी. इन्फी ऊपर जाएगा, कॉल बढ़ेगा, तो जाहिर है पुट नीचे आएगा. तो 1040 का पुट हमने शॉर्ट कर दिया, लेकिन आप पुट शॉर्ट कर रहे हैं, पूरे फ्यूचर का मार्जिन लग रहा है, क्योंकि रिस्क अनलिमिटेड है. उस रिस्क को संभालने के लिए एक छोटा सा पुट, वो भी ऐसा नहीं कि 1040 का पुट शॉर्ट किया तो आप 1020 का ही खरीद लो, अगला वाला ही. आप दूर का भी ले सकते हैं, 1000 का पुट वो लीजिए, या 980 भी लेना पड़े तो वो भी चलेगा. ऐसा होगा कि ये अगर 20 रुपए का पुट हमने शॉर्ट किया है तो यहाँ 5-6 रुपए का पुट लेना भी चलेगा, और ये हम बाद के 2 हफ्ते में करते हैं. अब ऐसे ही टॉप लूजर का हम क्या करेंगे? टॉप लूजर का बियर पुट स्प्रेड बनता है. तो टॉप लूजर जैसे मेटल सेक्टर टॉप लूजर था, VDL हमने 230 का पुट खरीदा और 220 का पुट शॉर्ट कर दिया. 230 का पुट, 230 स्ट्राइक प्राइस है, उसकी प्राइस प्रीमियम जो भी होगी, प्रीमियम मान लो यहाँ का 4 रुपीज है, इसका 2.5 है, तो ये 4 रुपीज का बाय किया, 2.5 का शॉर्ट सेल कर दिया. अब 4 वाला बढ़ा 1 रुपया और 2.5 वाला ये जो गिरा, ये 70 पैसा, 30 पैसा बच गया गेप में. आपने दोनों को स्क्वेयर अप किया 30 पैसा. अगर ये लॉट साइज 3500 की है तो
3500 में से 30 पैसा मतलब 1200 रुपए आपने बचा लिए, जबकि इस पूरी पोजीशन में एक तो यहाँ पे जब पुट शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ फ्यूचर का मार्जिन लग रहा है, तो आप शायद 1.20-1.30 के आसपास पैसा एंगेज कर रहे हैं और उस पर 1200 रुपया मिल गया, मतलब 1% पूरी सेफ्टी से आपने कमा लिया है। और ये आप फ्रिक्वेंटली मतलब ऐसा कर सकते हैं कि साइमल्टेनियसली 2-3 स्टॉक में पोजीशन बना के रख सकते हो, क्योंकि एक ऑप्शन करते थे और 5-7 हज़ार रुपये माइनस प्लस हो जाते थे। अब इस तरह के स्ट्रेटेजीज की वजह से हम 3 स्टॉक में पोजीशन खोल के रख रहे हैं। अब इनका लॉस जो रिलेटिव बन सकता है वो 1200 है, तो जो 5000 रुपए के रिस्क में तो हम 4-4 स्टॉक के पोजीशन बना के रख लें तो भी पॉसिबल है। तो एक तरीके से पूरे बाजार को आप घेर के रख सकते हो और फायदा मिल सकता है। अब यहाँ पे बियर कॉल स्प्रेड की बात करते हैं। बाद के 15 दिनों के लिए हम मंदी कॉल से करेंगे, कॉल को बेच के। तो टॉप लूजर का ही VDL है, 230 पे खड़ा है। टॉप लूजर है कहां जाएगा, 225-220, वो 235-240 जाने के चांस कम है, तो 240 का कॉल शॉर्ट कर दिया। लेकिन अनलिमिटेड रिस्क को संभालने के लिए 260 या 280 का कॉल बाय भी कर लेंगे। ये अगर 4 रुपए की कीमत में है तो ये 1 रुपए का 1.5 रुपए का कॉल भी चलेगा जिसको हमने बाय किया है, क्योंकि बाद के 2 हफ्ते में बाइंग वाली जो प्रीमियम है वो डिके हो जाएगी पूरी, जीरो होने के चांसेस है। तो ऐसा हुआ कि ये 4 रुपए का घट के 2 रुपए रह गया और ये 1 रुपए इसका जीरो भी हो जाए तो भी आपको मिले 2 पॉइंट है, गया 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट पूरा बच गया है, आराम से आप पैसा बना रहे हैं। ये सिस्टम जब सक्सेसफुल होता है सिंगल लॉट में तो लोग 5-5 लॉट में, 10-10 लॉट में, 20-20 लॉट में काम करते हैं और पूरे महीने लगे रहने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छे मौके का इंतजार करते हैं, जब क्लैरिटी नजर आती है महीने में 2 बार ट्रेड करते हैं। उन 2 बार के ट्रेड में एक बार 80,000 मिल गया, एक बार 1.25 लाख मिल गया, 2 लाख रुपए कमा के बाहर हो गए, क्योंकि मल्टीपल लॉट्स में काम कर रहे थे 10-12 लॉट में। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि ये जो कहानी हम सुना रहे हैं ये पहले दिन, पहले हफ्ते, पहले महीने से नहीं बनेगी। पहले आप सिंगल लॉट में प्रैक्टिस कीजिए, बल्कि हम कहेंगे पहले पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज उनके रिजल्ट एक साथ देखिए। और इनके नाम आपको याद हो ये जरूरी नहीं है, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, ये तो बाद में अपने आप याद हो जाएंगे, लेकिन ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आएगा जब आप एक्चुअल मार्केट में टॉप गेनर की इस तरह की पोजीशंस एक्चुअल नोट कीजिए, उनकी प्रीमियम नोट कीजिए और उनका डिफरेंस देखिए। हर आधे घंटे में डिफरेंस देखिए और देखिए डिफरेंस मैक्सिमम कितना मिल सकता था, मिनिमम कितना मिला, वो चीज़ नुकसान में कब जा रही है। और अगर हम स्प्रेड का अपना प्रॉफिट बढ़ाना भी चाहते हैं तो सपोज इन्फी खुला 1070 और उसके बाद में बाजार में एक डिप आ गया तो 1058 तक आ गया। अब 1058 आने पे ये मैंने बाय कर रखा था, ये कॉल की प्रीमियम नीचे चली गई तो इस कॉल की प्रीमियम भी नीचे गई, ये 10 रुपये नीचे गिर गया तो ये भी 7 रुपये नीचे गिर गया, यहाँ का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया और इस कॉल में अभी 10 रुपये का नुकसान है 10 पॉइंट का, तो वहाँ 2 या 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के अगर मैं रुक जाता हूँ और ये पलट के सीधा ऊपर चला जाता है तो मेरा छोटा प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। तो जो खतरा आपको लग रहा है कि एक डिप आएगा, डिप आने के बाद ये नीचे जाएगा, उसके बाद भी ये स्ट्रांग है, मेंटेन करके वापस ऊपर जा रहा है, मैं इसमें रुक के रिस्क लेना चाहूँगा, तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए। स्प्रेड का इस्तेमाल भी बड़े प्रॉफिट के लिए कैसे हो सकता है कि एक तरफ की पोजिशन को हमने एक सही मौके पे क्लोज किया। अब सही मौका तो एक्सपीरियंस से आएगा, ऑब्जर्वेशन से आएगा, उसको एकदम डिफाइन नहीं किया जा सकता फॉर्मूले की तरह। आपने क्लोज किया, 2-4 बार गलती होगी, उसके बाद चीजें पकड़ में आ जाएगी। और जो पोजीशन में आप बैठे हुए हैं उसमें हमने स्टॉप लॉस लगा के वेट किया और अगर वो पलट के वहां से भाग जाता है तो आप एक जबरदस्त प्रॉफिट बनाते हैं। तो स्प्रेड में आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं और स्प्रेड में सबसे कम खतरा है, सेफ्टी बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट कम है लेकिन उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शन स्प्रेड हमने आपको समझा दिए। हम फिर से इसको समराइज कर देते हैं, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, है ना। तो बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड, ये पहले 2 हफ्ते के लिए बुल पुट और बियर कॉल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बुल कॉल तो नेचुरल है, बुल और कॉल का रिलेशन नेचुरल है, लेकिन बुल और पुट समझ में नहीं आते, बुल और पुट अपोजिट है।
ऐसे बियर पुट नेचुरल है लेकिन बियर कॉल अपोजिट है, तो ये अपोजिट वाला एंगल कब आता है? बाद के दो हफ्ते में। किसी भी तरीके से याद रख लीजिए, आप तो इस वीडियो को सामने रखें, इसकी स्क्रीन को पॉज करें, चलते मार्केट में ऐसे ही पोजीशन राइट करके बनाइए, और अगर ढंग से आपको बिजनेस करना ही है तो हमने तो रास्ता खुला रखा हुआ है। अभी हम ट्रेनिंग के लिए बड़ा ट्रेनिंग 51,000 सिक्स मंथ का उसको लिमिटेड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने सोशल पर्पज हैं, जिंदगी का एक मकसद है जिसके लिए हम अपना ज़्यादा समय देंगे। तो ओरल टेस्ट होगा, चुना जाएगा इन्वेस्टर ट्रेडर को, अगर वो मानसिक तौर पे तैयार है, कैपेबल है, उनके पास कैपिटल और समय सब कुछ है, उनको ही ट्रेनिंग के लिए अलाउ किया जाएगा। तो आप अपना प्रपोजल, अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं, आपका एक ओरल टेस्ट करने के बाद आपको अलाउ कर दिया जाएगा कि आप 51,000 सिक्स मंथ का ट्रेनिंग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अभी 4,000 के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो शायद एक या दो हफ्ते तक ओपन रहेंगे, उसके बाद उनको भी क्लोज किया जा सकता है। हम देखेंगे कि ट्रेडर्स कैसा फायदा उठा रहे हैं, उसका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। मिसयूज कैसे होता है कि एक व्यक्ति 4,000-5,000 का वीडियो कोर्स लेके गया और 5 लाख रुपए की कैपिटल लेके वहां ट्रेड कर रहे हैं, एक दिन में 20,000-30,000 कमाने की कोशिश या 20-30,000 का रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर मैं 1,000 रुपये रोज भी कमाना चाहता हूं तो साल का 2.5 लाख कमाने की कोशिश कर रहा हूं, 3,000 रुपये रोज कमाने की बात कर रहा हूं तो साल का 7 लाख कमाने की बात हो रही है, तो इसके लिए एक रिजनेबल अमाउंट की तैयारी जरूरी है। वीडियो कोर्स की अपनी लिमिटेशन है, अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, 2,000 रुपये पर डे भी कमाना चाहते हैं, तो आपको या तो 3 मंथ या 6 मंथ के डिटेल ट्रेनिंग में जाना चाहिए, या फिर वीडियो कोर्स के साथ पहले छोटे छोटे ट्रेड कीजिए, जब आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाए तो फिर धीरे धीरे अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी साइट पर आइए www.speedearning.in, stockoptiontraining.com, कॉल कीजिए 8381021346, मेल अस moneyguru9@gmail.com, व्हाट्सएप करें, हम तत्काल आपको एंटरटेन नहीं कर पाते हैं इसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन आपके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और बेहतर सॉल्यूशन ढूंढ के लाएंगे। इसी इंतज़ार के साथ, इसी बात के साथ अगले वीडियो में अगली जानकारी लेके मिलते हैं। थैंक यू, बाय।